parents want me to be an athlete. They forced me actually. मेरा इंटरेस्ट नहीं था, आई वॉज नॉट रियली मच इंटरेस्टेड. व्हेन आई वॉज इन थर्ड, फर्स्ट आती थी क्लास में, सो आई वॉज गुड विद दैट. तो पॉइंट वॉज कि आई वॉज फर्स्ट, तो मुझे स्पोर्ट्स स्टडी करना था. एंड एक बार देर वॉज अ जोनल मीट, जिसे मतलब एक जोनल भी नहीं कह सकते, कैसे टूर्नामेंट के बाद एक लोकल सी मीट रखती. तो वहाँ पर मैं सेकंड आ गई, इन्होंने मुझे फोर्सफुली वहाँ पे भगाया था. तो मैं सेकंड आ गई, मैं बोला अब तो करनी नहीं है, आई एम सेकंड इन दिस फील्ड, तो मुझे एथलेटिक्स नहीं करनी, मुझे स्टडी करना, तो प्लीज़. तो फिर नेक्स्ट डे पापा लेके, नहीं तुझे स्पोर्ट्स ही करनी है, धक्के मार के भगाया भी, तो मुझे नहीं करनी थी. फिर आफ्टर सम डेज मम्मी ने बोला कि एक काम करते हैं, यू केम सेकेंड, नेक्स्ट ईयर हम फर्स्ट आते हैं, फिर सिंपली यू ड्रॉप्ड. ओके, एग्री की बोले, पर लेकिन देर इज़ कंडीशन कि हमें 5 डेज पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, 5 और 6 डेज. छोटी थी, इतना प्रैक्टिस होके इनफ है ना. फर्स्ट आ गई क्लास में, सेकेंड आ गई, तो ठीक है फर्स्ट आ गई, स्पोर्ट्स करूँगी. सो धीरे धीरे ऐसे इंटरेस्ट बन गया. फिर न्यूज़पेपर में फ़ोटोज़ और सारे स्कूल में पता, ये तेरी फोटो में न्यूज़पेपर में फ़ोटो आई थी. तो और फिर CBSE गई, तो वहाँ पे तो जब CBSE नेशनल्स और गई, तो हमारी क्लासेस मिस होती थी पहली 5, मज़ा आने लग गया कि मुझे तो बोलते यार तेरे तो मज़े हैं, तो इस चीज़ को ठीक है, उसी मज़े में स्पोर्ट्स हो गया. '17-18 में परफॉर्मेंस पहले 70 तक स्टेबल रही, उसके बाद मुझे इंजरी होगी नी में. मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया कि ये शी कांट रन. मैं उस टाइम पे बैंगलोर में थी, जो निकलोई कोच थे, फॉरनर कोच थे, उनके पास थी. वहाँ पे मुझे कुछ इश्यूज हो गए, तो बाहर किसी डॉक्टर को दिखाया बैंगलोर में. तो उन्होंने बोला कि आपके जो पटेलाज हैं वो मिसप्लेस्ड हैं दोनों नीज के, जबकि मुझे पेन एक नी में था. उन्होंने बोला कि आप इतना ही भाग सकती हैं, और मुझे 20,000 के नी कैप्स दे दिए, और बोला कि दैट्स इट, इट्स योर लाइफ नाउ, इसको डाल के ही करना है. और क्या हो रहा था, उसको नी कैप को डाल के रनिंग करती थी, पेन नहीं होता था, लेकिन स्टेप नहीं खुलता था. वो बहुत टेक्निकल थे कि बस इतना ही पैर खुल सकता है उसमें, पर पेन नहीं होता था. तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगने लग गया कि यही होगा शायद. नियर अबाउट 6 to 8 months मेरे उस पेन में गए, और बिल्कुल ख़राब, और वापस आ गई धर्मशाला. वहाँ पर एक हमारे मैस में अंकल थे, दैट विल साउंड स्ट्रेंज, लेकिन उनके पास ना कबड्डी वाली लड़कियाँ जाती थी, वो कुछ कपड़ा बांधते थे, घुमाते थे, और ठीक. मेरी रूममेट ने मुझे बोला कि दिखाओ, उससे पहले मैं बोला कि मैं बहुत जगह दिखा चुकी हूँ, बैंगलोर दिखा लिया, पटियाला दिखा लिया, अपने इधर होशियारपुर डॉक्टर्स को दिखा लिया, कि ये ठीक नहीं हो रहा है. उसके 2-3 बार कन्विंस करने के बाद 3rd-4th day मैं गई. उन्होंने क्या किया, इसको एक्चुअल में पटेला हिला हुआ था, थोड़ा सा हिलाया, बहुत ज़ोर से पेन हुई, और इतनी ज़ोर से साउंड आया टक, बोला जाओ जाके भाग के आओ. दैट वॉज स्ट्रेंज, मैं जाके भाग के ही सच में हो रहा था, मेरे कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं, और बिना पेन के भाग पा रही थी. और उससे पहले 30 मीटर भागती थी, और टाइटनेस इतनी बढ़ जाती थी, आई कांट इवन रन 400. एट हंड्रेड इज मोर टेक्निकल. इट्स ओनली ऑफ 2 lap और 8 athletes विथ सेम लेवल. कह सकते हैं हीट क्वालिफाई करने के बाद जब हम आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट 100 पे वेदर ही और शी इज ऑफ 208 और 202, फर्स्ट 100 सभी के लिए इतनी मैटर करती है, उसका लाइन क्रॉस करके आना, और हु विल लीड, ये फर्स्ट 30 मीटर में डिसाइड नहीं होता है. आफ्टर 100, जब सारे एथलीट्स अपनी लाइन में आते हैं, वहाँ पे जाके भी 100 मीटर ये होता रहता है कि हु विल लीड. जब ये आके डिसाइड होता है, तो किसी को ये पता लगता है कि रेस लो होगी, मेरी रेंज से बाहर होगी, कि
इतना लंबा डिस्टेंस तो है नहीं कि हम मैं अभी इसको इतना टाइम पे तोड़ दूंगी या तोड़ दूंगा। तो जिसको स्पीड नहीं है, इंडोरेंस रनर है, वो 6 मिनट से पिक लेगा। या फिर कुछ लोग ट्राई करेंगे कि हम स्लो कर दें, लास्ट 120 और 200 अपनी लेके जाए। 1500 में तो आते लोग एक सिंगल माइंड के साथ है कि इंडोरेंस और स्पीड का, स्पीड सही बात, इंडोरेंस सही का। है। That was 1500 एक्चुअली, क्योंकि यही था कि आसान रेस को फास्ट लेके जाएगी। बट वो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा। और वो थर्ड हो जाएंगी और मायूरी सेकंड हो जाएगी। किप कैगो का तो हमें एक साइड पे श्योर था कि ये था कि फाइट होगा, या बहुत कुछ सोच रखा था 1500 के लिए, फाइट हो सकती है, डेफिनेटली किप कैगो जाएगी, लेकिन फाइट तो होगी। और सोचा था कि रिकॉर्ड होगा, क्योंकि दोनों 51 की रनर्स थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो ऐसा हो गया कि क्या हो गया यहाँ पे। तो कह सकते हैं कि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा, और वैसा नहीं गया जैसा सोचा था। तो यही रेस में भी होता है कि हम सोच के चलते हैं कि ये रेस लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करा जाता है। हम जैसे रेस में पहले प्लानिंग करके चले जाएं, और रेस तो वैसी जाएगी जो सबसे ज़्यादा फिट है उसके अकॉर्डिंग। बहुत सारे एथलीट्स थे जिनका यही टारगेट था कि हमें ओलंपिक्स में मेडल देना है। और मैंने मोर लाइक मेरे मदर को भी देख लीजिए, उनका भी ये टारगेट था कहीं ना कहीं कि हमें मेडल देना। और यहाँ पे छोटे से बच्चा भी आता है कोई, तो उनका भी टारगेट। तो अगर कोई एथलीट स्पोर्ट्स कर रहा है और इतना ज़्यादा मर रहा है, तो अगर कोई 100% डेडिकेशन से कर रहा है, उसका पहले से ये टारगेट था कि हमें ओलंपिक्स में मेडल देना, और हम दे सकते हैं। आपको मैंने बताया कि 4:08 के बाद, और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मैं बहुत इम्प्रूव कर सकती हूँ। और बिफोर ओलंपिक्स हम सोच रहे थे कि अगर मैं, मुझे अच्छा कंपटीशन मिल जाता है, क्वालिफाई कर जाती हूँ, तो 356 रन करके आऊँगी। और अगर 356 वहाँ रन कर देती तो गोल्ड नहीं तो ब्रॉन्ज आता। सो द पॉइंट इज़ कि मेडल के लिए ही सोच के जाते हैं हर बार, होता नहीं होता दैट्स डिफरेंट थिंग। लास्ट कंटिन्यूइंग परफॉर्मिंग राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल इन चाइना राइट नाउ आई एम, माई एशिया रैंक इज 2। सो डेफिनेटली आई विल फाइट फॉर गोल्ड, एंड 100% फॉर गोल्ड आई विल गो देयर। बट इन बर्मिंगम आई विल डू फाइट फॉर गोल्ड। कैन से कि वहाँ पे फाइट होगी गोल्ड के लिए, और वहाँ पे फाइट लेके सोच सोच के चल रही हूँ कि ओके आई विल फाइट फॉर गोल्ड, और यहाँ पे सोच के चल रही हूँ कि आई विल मम्मी 800 करती थी, और एशिया में सेकंड हो गई थी जो बीना मोल मैम थे। हाँ, उनका गोल्ड था, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे, इन्हें लास्ट 120 पे बीट कर दिया। इनकी थ्योरी थी कि शी डू 400 विद 800, तो उसमें स्पीड थी, और लास्ट में रेस पुल कर दिया। तो इनका भी ये टारगेट था कि मिलन को हम 400 और 800 करवाएंगे। तो स्पीड इतनी भी नहीं अच्छी है कि 400 और 800 करूं, सिर्फ 800 करती थी। तो जो पहले जो फर्स्ट कोच थे भाटिया सर, उन्होंने बोला कि शी इज़ नॉट गुड इन स्पीड, 800 भी अच्छा नहीं कर पाएगी, लेट हर डू 1500। चलो ठीक है, तो उधर से 1500 चूज़ हुआ। तो उस कोच ने बोला कि ठीक है, जहाँ 400 और 800 का कम्बिनेशन नहीं है, वहाँ पे मतलब जैसे ये कम्बिनेशन है, वहाँ पे हम 800 और 1500 का कर देंगे। फिर इन कोच के पास आई, उन कोच ने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि 800 ये कर नहीं पाएगी, आप कर नहीं पाओगे। सर को मैंने बोला कि सर मुझे 1500 करना है, बोलते मैं सब करवा दूंगा। तो मुझे बोले कि 800 भी करेंगे, पहले हम बेसिक स्पीड इम्प्रूव करेंगे। और 800 में अपना बेस्ट इनके पास भागी हूँ, 208, 206, 202, 203 इनके पास भागी हूँ। तो इन्होंने ही मेरा, जो कह सकते हैं कि बेसिक स्पीड इम्प्रूव की है। और अब आप ये नहीं मुझसे पूछ सकते कि वाई ओनली 800 एंड 1500,
नाउ मैं अभी अगर नेशनल में, इस नेशनल में 400 भी करती तो सेकंड प्लेस कर जाती, बिकॉज आपके बिफोर हिसाब से? बिफोर वारंगल हमारे यहाँ स्टेट मीट हुई थी और वहाँ पर मैंने 400 किया इन 54 सेकेंड्स, तो वो विदाउट 400 प्रैक्टिस, तो कोच बोले नाउ सी यू कैन डू 400 ऑल्सो, अगर मैं 400 की प्रैक्टिस कराऊँ तो यू कैन रन 51। तो कह सकते हैं ना कि माई कोच इज मजिशियन।